अभी हाल ही में डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू मैरिज की पवित्रता को हाईलाइट करते हुए एक प्रोफाउंड जजमेंट दिया है और एक मेयर सोशल इवेंट के रूप में इसके डेप्रिसिएशन की निंदा की है। आइए इस जजमेंट को डिटेल में समझते हैं। केस से डील करते वक्त बेंच ने ऑब्जर्व किया कि जहां हिंदू विवाह राइट्स और सेरेमनीज जैसे सप्तपदी के अनुसार नहीं किया जाता है, वहां विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक वैलिड मैरिज के लिए रिक्वायर्ड सेरेमनीज का आयोजन किया जाना चाहिए एंड कोई इशू या कंट्रोवर्सी अराइज होने पर देयर मस्ट बी अ प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सेड सेरेमनी। जब तक पार्टीज इन सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं करती हैं, तब तक एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह नहीं होगा और रिक्वायर्ड सेरेमनीज के एब्सेंस में किसी एंटिटी द्वारा केवल एक सर्टिफिकेट इशू करना ना ही किसी मैरिटल स्टेटस को कंफर्म करेगा और ना ही हिंदू लॉ के तहत विवाह एस्टैब्लिश करेगा। द बेंच फर्दर सेड दैट एक हिंदू विवाह एक संस्कार और सेक्रेमेंट है जिसे इंडियन सोसाइटी में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेट वैल्यू के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। वैलिड हिंदू मैरिज से पैदा हुए बच्चे लेजिटिमेट हैं और इसीलिए उन्हें कानून में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। यह हमारे लिए इलेजिटिमेट चिल्ड्रन बॉर्न आउटसाइड वेडलॉक की असुरक्षा के बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं है, जो समाज में लेजिटिमेट बच्चों के बराबर दर्जा पाने की लालसा रखते हैं। इसीलिए हम यंग मैन एंड वेमेन से आग्रह करते हैं कि वे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में प्रवेश करने से पहले ही इसके बारे में और इंडियन सोसाइटी में यह इंस्टीट्यूशन कितना पवित्र है के बारे में गहराई से सोचें। विवाह सॉन्ग एंड डांस एंड वाइनिंग एंड डाइनिंग का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने और आदान प्रदान करने का अवसर नहीं है, जिसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं। इसके साथ ही वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हुए कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ देयर बीइंग अ वैलिड हिंदू मैरिज, द मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैन नॉट रजिस्टर सच अ मैरिज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। इसीलिए यदि यह कहते हुए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि कपल हैड अंडरगॉन मैरिज और यदि मैरिज सेरेमनी एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार नहीं की गई है, तो सेक्शन 8 के तहत ऐसे विवाह का रजिस्ट्रेशन उस विवाह को कोई लेजिटिमेसी प्रदान नहीं करेगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट इज ओनली टू कंफर्म दैट द पार्टीज हैव अंडरगॉन अ वैलिड मैरिज सेरेमनी in accordance with section 7 of the act. In other words, certificate of marriage hindu marriage ki validity ka proof keval tabhi hai jab aisa vivah hua ho, na ki aise mamle mein jahan koi marriage ceremony ki hi nahi gayi ho. Aapke is judgment ke bare mein kya vichar hai? Do let us know in the comment section and subscribe for latest supreme court updates. Thank you.